दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर और आपसे बात करूंगा फरीदाबाद से चली एक ऐसी राजनीति जिसने कि एक बार की तो हरियाणा के अंदर कुछ ऐसी सनसनाहट शुरू कर दी जिससे लगा कि क्या राजनीति में कुछ बदल रहा है। मेरे कुछ मित्रों से बात हो रही थी तो मैंने ये कहा था कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे प्रेमी प्रेमिकाओं के संबंध होते हैं, वो मिलते हैं बिछड़ते हैं, मिलते हैं बिछड़ते हैं, ये सब चलता रहता है उसके अंदर। मैं आपसे बात कर रहा हूं प्रथला विधानसभा क्षेत्र के विधायक नैनपाल रावत की। नैनपाल रावत का एक बयान चला, हालांकि उनका वो ऑथेंटिक बयान नहीं था, उस वेबसाइट की अपनी समझ थी, अपनी सोच थी, जिसके अंदर कि उसने चलाया कि नैनपाल रावत समर्थन वापस ले सकते हैं नायब सरकार से। नैनपाल रावत जी ने कहा कि मेरी नाराजगी सरकार से नहीं है, मेरी नाराजगी तो अधिकारियों से है। वैसे दोस्तों मैं आज तक एक बात समझ नहीं पाया कि अधिकारियों और सरकार में क्या फर्क होता है। मैं तो जहां तक समझता हूं, मुझे लगता है कि सरकार का मतलब अधिकारी, ब्यूरोक्रेसी, ऑफिसर्स, क्योंकि सरकार चलाने वाले जनता के चुने हुए नुमाइंदे जितने होते हैं उससे कहीं बड़ा रोल हुआ करता है ब्यूरोक्रेसी का, जो सरकार चलाने वाले अधिकारी हुआ करते हैं। खैर, नैनपाल रावत जी, ये बात चल पड़ी कि नैनपाल रावत नाराज हो रहे हैं, नैनपाल रावत जी की रुसवाई हो रही है, नैनपाल रावत रुसवा हो रहे हैं। और जो मैंने आपसे कहा कि जिस प्रकार से चलता है प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में, जिस प्रकार से प्रेमी जोड़े एक दूसरे से खफा हो जाते हैं, सुबह खफा होते हैं, शाम को मन जाते हैं, हो सकता है अगले दिन फिर खफा हो जाएं। और प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच जो चलता है कुछ ऐसा ही, कुछ यही अंदाज था, कुछ ऐसा ही अंदाज था। कल दिन में तो वो खबरें रेंगती रही पूरे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, कुछ लोगों ने उसको इतना बड़ा करके दिखा दिया कि जैसे नैनपाल रावत पता नहीं क्या करेंगे। हालांकि हमने आपके साथ कोई वीडियो साझा तो नहीं किया था, लेकिन मेरे कुछ मित्रों से बात हो रही थी, कल किसी व्यवस्थाओं के चलते हम आपसे मिल भी रूबरू भी कम हुए थे। जब बात चल रही थी तो मैंने कहा कि ये कुछ नहीं है, ये आपको कल ही दिख जाएगा कि नैनपाल रावत ना कोई समर्थन वापस, ना कोई लेना, ना कोई देना, जिस तनख्वाह पे काम कराएंगे हुजूर उस तनख्वाह पे काम कर लेंगे, ये सब चलता रहेगा। खैर, वही हुआ, रात को देर रात में उसी वेबसाइट ने चला दिया कि नायब सिंह सैनी जी ने बुला लिया, मिलवा लिया उनसे, जो भी रुसवा थी, शिकायत थी, जिस प्रकार की भी दिक्कत थी उसको कह दिया कि भैया ऐसा मत करो, आप रूठो मत और हमसे छूटो मत। बताते हैं मनोहर लाल जी का भी फ़ोन चला गया विधायक साहब के पास और मनोहर लाल जी ने भी कह दिया कि आप रूठो मत। वैसे मैं बताऊं आपको कि 7 निर्दलीय विधायक थे, 7 में से एक का स्वर्गवास हो गया और एक विधायक जी का, रणजीत सिंह चौटाला जी का इस्तीफा हो गया। जब नायब सिंह सैनी की सरकार हरियाणा में बन रही थी, नायब सिंह सैनी जब हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, तो उस समय एक बात चली थी विधानसभा के अंदर भी और विधानसभा के बाहर भी। सबसे पहला जो समर्थन की बात आई थी वो नैनपाल रावत की आई थी और मैंने भी और कई लोगों ने कहा था कि नैनपाल रावत की शायद लॉटरी लग जाए, मंत्री बन जाए। आज नीरज शर्मा जो हमारे विधायक हैं NIT क्षेत्र के, उनसे मेरी बात चल रही थी तो वो कहने लगे कि जब नायब सैनी सरकार बन रही थी, जब मनोहर सरकार चली गई थी, तो उस समय विधानसभा का जो नज़ारा था, उनका जो बहुमत परीक्षण हो रहा था, उस दौरान निर्दलीय विधायकों ने कहा था खुद को शेर। और नीरज शर्मा जी आज कह रहे थे कि मैंने कहा था शेरू, भाई शेरों को शेरू मत बना देना। खैर, ये तबसरे की बातें हैं, मजाक की बातें भी हो सकती हैं, लेकिन कही गई बात बहुत दूर तक जाती है। तो मैं आपको बता रहा था कि चर्चा चली कि शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन रणजीत सिंह चौटाला का ऐसा प्यार था साथ में नायब सैनी सरकार के साथ में भी और उससे पहले मनोहर सरकार में भी। आप देखिए तो रणजीत सिंह चौटाला जी विधायक भी नहीं है, उनका विधानसभा से इस्तीफा भी हो चुका है, लोकसभा का टिकट उनको भारतीय जनता पार्टी ने दिया था और भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा बतौर कैंडिडेट वो लोकसभा का चुनाव हार गए। हारने के बाद भी, विधायक ना होते हुए भी, वो हरियाणा सरकार के पावर मिनिस्टर हैं, यानी कि हरियाणा की जो पावर है, बिजली वाली पावर, और कोई पावर ना समझें आप, वो पावर रणजीत सिंह चौटाला के पास में है। तो जो आपको मैं बता रहा था नैनपाल रावत जी के बारे में, नैनपाल रावत की जो रुसवाई जो हुई, जो उनका रूठना मनावन जो चला सब कुछ, यानी कि 12, 14, 18 घंटे तक जो चला,
उसके अंदर कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि सरकार घुटनों पर आ गई और सरकार ने नैनपाल जी को मना लिया, लेकिन मैं जो बता रहा था कि मुझे पहले ही लगा था कि इसके अंदर कुछ होना जाना है नहीं, ये केवल जुबानी जमा खर्च की बातें हैं, जो भी थोड़ी बहुत कोई मांडवाली होगी वो हो जाएगी और उसके बाद सब कुछ फिक्स रह जाएगा। खैर, नैनपाल रावत भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं। नैनपाल रावत प्रथला विधानसभा क्षेत्र से 2009, 2014, 2019 तमाम चुनाव लड़ते रहे। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट वो 2014 में बतौर चुनाव हार गए थे, 2019 में उनको टिकट नहीं मिला था। जब टिकट नहीं मिला था नैनपाल रावत को, तो उन्होंने विधानसभा का चुनाव निर्दलीय लड़ा और निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए वो विधायक उसमें चुनाव जीते, विधायक बन गए। विधायक बनने के बाद में उन्होंने अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी मनोहर लाल की सरकार को दे दिया और कहते हैं कि समर्थन जो दिया वो कहा कि बिना शर्त समर्थन है। वैसे आपको एक बात और बताऊं दोस्तों इसके अंदर भी, कि जो समर्थन दिया जाता है ना, ये हमेशा कहा जाता है कि ये बिना शर्त समर्थन है, लेकिन उसके पीछे छुपी हुई कितनी बातें होती हैं, हर चीज का इनसाइड होता है। जैसे आप फिल्म देखते हैं तो ऑफ द बीट हुआ करता है, उसके अंदर पर्दे के पीछे क्या क्या घटनाक्रम हुआ, इसी प्रकार तमाम स्टोरीज की इनसाइड स्टोरी भी होती हैं, वो कहीं सामने आती हैं कहीं सामने नहीं आती। तो नैनपाल रावत जी की जो स्टोरी थी, उन्होंने बिना शर्त सरकार को समर्थन दिया और गाहे बगाहे जब जब भी कभी कोई बात हुई तो उनके फोटो मैं देखा करता था सोशल मीडिया पर भी और मीडिया की मेन स्ट्रीम में भी चलते थे कि नैनपाल रावत साथ हैं। नैनपाल रावत को सरकार ने बनाया चेयरमैन। हालांकि आजकल जो मेरी जानकारी है वो ये है कि वो अब चेयरमैन नहीं है। जिस बोर्ड का चेयरमैन उनको बनाया गया था, उस बोर्ड के चेयरमैन पर नियुक्ति कोई और भी हो गई बाद में। खैर, अब नैनपाल रावत जी के मन में अरमान तो जागे होंगे जरूर कि जब नायब सिंह सैनी सरकार बनी और आप ये मान लें कि एकमात्र निर्दलीय विधायक रह गए नैनपाल रावत जो समर्थन दे रहे हैं। अभी हाल ही में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने पूरा अपना मदद की, कैंडिडेट के साथ रहे जो कृष्णपाल गुर्जर को टिकट मिला। अब रीजन क्या रहे होंगे, कारण क्या रहे होंगे, वो कहते हैं ना कि मोहब्बत में जब बात आती है, मैंने शुरू आपसे वीडियो किया था तो मैं आपसे कह रहा था कि जो इनका रुसवा होना चला वो कुछ ऐसा इस अंदाज में था कि जैसे प्रेमी और प्रेमिकाओं के बीच में हुआ करता है। तो नैनपाल रावत जी के बारे में ये कह सकते हैं कि कोई यूं ही बेवफा नहीं हुआ करता, कोई ना कोई तो कारण जरूर होता है। अगर वो नैनपाल जी बेवफा हो रहे थे तो उसके पीछे कोई रीज़न जरूर रहा होगा। हालांकि नैनपाल जी ने तो वो सारा ठीकरा फोड़ा अधिकारियों पर। मैं आपसे वो भी कह रहा था कि जो नेता लोग या जो पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स होते हैं, जब वो कहा करते हैं सरकार तो ठीक है अधिकारी ठीक नहीं है, तो मैं उस समय समझ नहीं पाता हूँ, कन्फ्यूज हो जाता हूँ कि आखिर सरकार ठीक है तो फिर अधिकारी ठीक कैसे नहीं है, और अगर अधिकारी ठीक नहीं है तो फिर सरकार कैसे ठीक है, क्योंकि सरकार और अधिकारी अलग अलग हिस्सा नहीं है, अलग पार्ट नहीं है। सरकार जो चलाना होता है, मैंने पहले बताया जनप्रतिनिधि होते हैं, मुख्यमंत्री बने, मंत्री बने, तमाम परिषद जो बनती है ये चेहरा जरूर हो सकती है, लेकिन जो उनके पीछे जो काम करने की दक्षता क्षमता और सब कुछ जो चलता है, फैसले होना, नीतियाँ बनना, उन पर निर्णय होना, वो सब ब्यूरोक्रेसी का काम होता है। और अगर आप ये मान लें तो ब्यूरोक्रेसी यानी कि जो अधिकारी कर्मचारी सबसे सॉफ्ट टारगेट होता है। आप कभी भी उन पर आरोप लगा दें कि अमुक अधिकारी काम नहीं कर रहा, अमुक अधिकारी ये कर रहा है, अमुक फलाना ये कर रहा है, सौ खून माफ वाली बात, जिस प्रकार एक फिल्म आई थी सौ खून माफ, अगर आप किसी नेता के, किसी पॉलिटिकल वर्कर के, किसी भी व्यक्ति के आप 100 काम अगर ठीक हो जाएं, अगर आप 101वां काम आप ना कर पाएं तो फिर रुसवाई हो जाती है, चाहे वो अधिकारी हों, चाहे वो, अगर मैं अधिकारियों को क्या कहूँ, मीडिया के लोग भी उसमें दूर नहीं है, मीडिया के लोगों पर बड़ी जल्दी आरोप लगते हैं। तो नैनपाल रावत जी का जो मैं आपसे बात कर रहा था, उन्होंने लगाया आरोप कि अधिकारी ठीक काम नहीं कर रहे। अब अधिकारी ठीक काम कैसे नहीं कर रहे या अधिकारियों पर क्या आरोप हैं, ये तो इसकी तो जो विस्तृत बात नैनपाल रावत खुद बता सकते हैं या वो लोग बता सकते हैं जिनको लगता है कि सरकार ठीक चल रही है अधिकारी ठीक नहीं चल रहे, वो बता सकते हैं, इसकी व्याख्या कर सकते हैं कि आखिर अधिकारियों के बिना सरकार कैसे ठीक चल रही है। अब मैं आपसे जो बता रहा था कि नैनपाल रावत जी 2009, 2014, 2019 चुनाव लड़े, 2019 के चुनाव में उनको टिकट नहीं मिला, चुनाव जीत गए, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया,
शर्त और बिना शर्त वाली बात मैं करूंगा नहीं, वो मैंने आपको पहले तकसीम से बता दिया। अगली बात आती है कि अब क्योंकि 2024 के विधानसभा चुनाव की तैयारी है, चर्चा चली थी वैसी सोशल मीडिया वेबसाइट पर या जो सोशल मीडिया के कुछ लोगों ने चला रखा था कि हड़बड़ी मच गई, हड़कंप हो गया, ये हो गया, वो हो गया, धरती हिल गई, उस पर मैं आपसे बता रहा था कि नैनपाल रावत जी को, क्योंकि राजनेता जो होते हैं उनको सबसे जो उनका पसंदीदा खेल होता है वो चुनाव होता है, वो चुनाव उनके लिए एक गेम है, चौसर का गेम मान लें, शतरंज का खेल समझ लें, या पसंदीदा खेल किसी का कोई भी हो सकता है, लेकिन राजनेताओं का पसंदीदा खेल होता है चुनाव। और चुनाव लड़ने के लिए राजनेताओं को चाहत होती है टिकट की, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नैनपाल रावत दे रहे हैं समर्थन लंबे समय से। अब कल वही जब चल रहा था वेबसाइट्स पर तो उनमें चल रहा था कि क्या नैनपाल रावत जब सरकार से समर्थन वापस लेंगे, क्योंकि जब तीन विधायकों ने सरकार से समर्थन वापस लिया और उन्होंने समर्थन दिया कांग्रेस को, अब नैनपाल रावत कैसे कांग्रेस के पास जाते, इसलिए मैंने कल कहा था कि ये सब जवानी जमा खर्चा, कुछ होना जाना नहीं है, क्योंकि नैनपाल रावत कांग्रेस में जाए तो कैसे, वहां पहले से ही कई प्रभावशाली नेता बैठे हुए हैं। नैनपाल रावत को अगर मैं केवल एक नाम ही क्यों कहूं, मैं और भी जितने भी लोग कहूं कि जो विधायक हैं उनके साथ एंटी इनकम्बेंसी अपनी जुड़ी हुई है, दूसरी पार्टी क्यों चाहेगी कि उनके एंटी इनकम्बेंसी अपने साथ ले लें हम। उसके बाद आ जाती है टिकट भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के जो पिछले दिनों में जो चला है राजनीतिक प्रोफाइल में, कृष्णपाल गुर्जर फरीदाबाद से सांसद बन गए और कृष्णपाल गुर्जर सबसे प्रभावशाली रहेंगे टिकट वितरण को लेकर के। मैंने आपको बताया कि नैनपाल रावत ने कृष्णपाल गुर्जर को समर्थन दिया, सपोर्ट किया, ये सबने देखा, लेकिन इसके बावजूद जो पिछली वाली जो बातें थी नैनपाल रावत और कृष्णपाल गुर्जर जी के बारे में, जो राजनीतिक बातें करते हैं, पॉलिटिकल जो घटनाओं में, पॉलिटिकल बातचीत में जो इंटरेस्ट रखते हैं, वो सब जानते हैं कि उनके संबंध किस प्रकार के रहे थे पहले। और अगर अब बात आ जाती है तो जो जिस प्रकार से नैनपाल रावत ने समर्थन दिया, बिना शर्त समर्थन जो बात थी जिसमें वो चेयरमैन या सारी बातें हुई, तो 2014 से 19 की सरकार में समर्थन दिया था टेकचंद शर्मा ने, और टेकचंद शर्मा को टिकट नहीं मिला था 2019 के चुनाव में, वो पार्टी के साथ रह गए और पार्टी का जो अधिकृत प्रत्याशी था उन्होंने उसका समर्थन किया। वोट कितनी मिली नहीं मिली, दिलवा पाए नहीं दिलवा पाए, ये इशू नहीं है, ये बात नहीं होती है, लेकिन ये जरूर है कि उन्होंने कोई बगावत नहीं की और समर्थन दिया। नैनपाल रावत के मुकाबले में टेकचंद शर्मा भी भारतीय जनता पार्टी में लगे रहे, नैनपाल रावत विधायक बनकर और वो बिना विधायक हुए। हालांकि राजनीतिक जो अंतर्द्वंद हो सकता है, राजनीतिक जो आपसी खींचातानी हो सकती है वो रही ही, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव आया तो जिस प्रकार से नैनपाल रावत साथ थे तो टेकचंद शर्मा दो कदम बढ़कर और कृष्णपाल गुर्जर के साथ लग गए। मुझे वो सीन ध्यान आ रहा है कि जब कृष्णपाल गुर्जर ने अपनी धन्यवाद सभा की थी नेशनल हाईवे के जो उस बड़े बैंक्वेट हॉल के अंदर, और जब वहाँ पहुँचे थे टेकचंद शर्मा तो वहाँ का नज़ारा बड़ा गजब का था, बड़ा गजब नज़ारा था। और कल ही फिर एक फोटो वायरल हो रहा था जिसके अंदर कि नायब सिंह सैनी खड़े हुए हैं, उनके हाथ में हाथ दिए हुए, कोई ब्राह्मण सम्मेलन शायद लग रहा है मुझे, जिसके अंदर कि एक तरफ मोहनलाल बड़ौली हैं, एक तरफ टेकचंद शर्मा हैं और आशीर्वाद चल रहा है पंडित रामविलास शर्मा का, चारों नेता ये हाथ उठाकर खड़े हुए हैं। तो उससे एक बात चली गई कि टेकचंद शर्मा का जो नंबर है भारतीय जनता पार्टी में वो कहीं आगे बढ़ रहा है, बढ़तर है। तो क्या नैनपाल रावत शहीद होने चले थे जिसके बाद वो रुक गए? कारण क्या रहा? नायब सिंह सैनी ने कौन सी मीठी गोली दी या क्या उनको उनको समझाया बुझाया, कैसे हुआ? लेकिन ये जरूर हुआ कि जिस बात के लिए लेकर बड़ा हंगामा चल रहा था कि नैनपाल रावत जा सकते हैं, नैनपाल रावत जा रहे हैं, वो सब कुछ शाम होते होते ढल गया। जैसे शाम ढलती है वैसे ही वो सब मिजान ढल गया। अब आगे क्या? रावत साहब ने समर्थन दे दिया है नायब सिंह सैनी सरकार को, कहा है कि जो मेरी जो नाराजगी थी वो कोई नाराजगी नहीं है, अब सरकार के साथ पूरी तरह से हैं। इस सब का आगे जा करके इसका जो विधानसभा चुनाव आना है उस पर क्या असर रहेगा? क्या ये नैनपाल रावत की प्रेशर पॉलिटिक्स थी? क्या नैनपाल रावत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर अलग प्रेशर बना रहे थे कि भैया उनको देखो, उनकी तरफ देखो,
क्या ये लड़ाई, ये जो प्रेशर बनाना था, ये विधानसभा चुनाव की टिकट को लेकर था कि चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ने, मैंने आपको बताया नेताओं का शौक है, ये खेल होता है चुनाव, कि भाई चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिले। और सबसे बड़ी बात, आपको क्या लगता है ये प्रेशर पॉलिटिक्स अगर थी तो फिर ये कितना असर डालेगी पृथला के विधानसभा चुनाव पर? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।